सो गाइस अमेज़न का रिपब्लिक सेल आ चुका है। यहाँ पे आपको बेस्ट लैपटॉप दिलाने वाला हूँ 50,000 रुपये के रेंज में, जहाँ पे आपको i7 का प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर होने वाला है। साथ ही आपको 16 GB की रैम या फिर राइजन का लेटेस्ट प्रोसेसर सब कुछ आपको इस लिस्ट में देखने को मिलेगा। गेमिंग लैपटॉप भी देखने को मिल जाएगा। तो लिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अभी सही मौका है अगर आपको 50,000 रुपये में बेस्ट लैपटॉप चाहिए। अभी कोई भी लैपटॉप को मिस मत करना, सभी लैपटॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस बात करते हैं इन लैपटॉप्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में। गाइस हमारा पहला जो लैपटॉप है ये इन्फिनिक्स की तरफ से आता है। सो गाइस इन्फिनिक्स ने रिसेंटली बहुत अच्छे लैपटॉप्स लॉन्च कर दिए हैं मार्केट में। तो इन्फिनिक्स का जीरो बुक सीरीज लैपटॉप आ जाता है जहाँ पे i5 का 12 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है। सो गाइस आपको इससे बेटर डील आपको देखने को नहीं मिलने वाला है क्योंकि i5 का 12 जनरेशन के साथ में आपको 16 GB की रैम देखने को मिल जाती है। सो गाइस वीडियो में आगे बने रहना, यहाँ पे आपको i7 तक के प्रोसेसर इसी प्राइस रेंज में दिखा दूंगा। बाकी 16 GB की रैम के साथ 512 GB की SSD है और 15.6 इंच का डिस्प्ले। लैपटॉप दिखने में मैकबुक का कॉपी किया हुआ ऐसा लगता है, बट यहाँ पे इन्फिनिक्स का ये लैपटॉप है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छा है इस लैपटॉप का भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा सभी लैपटॉप्स का। आगे बढ़ते गाइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑनर का मैजिक बुक X14 2023 वाला वर्जन है ये, जहाँ पे आपको i5 का एच सीरीज़ का प्रोसेसर मिल जाता है, 12 जनरेशन का 12450 वाला। सो गाइज एच सीरीज़ का प्रोसेसर मतलब टॉप एंड वाला हो जाता है, जहाँ पे सबसे पहले U आता है, P आता है, देन H आता है। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। सो अगर आप एक बिजनेस प्रोफेशनल के लिए एक लैपटॉप ढूंढ रहे, तो छोटा सा कॉम्पैक्ट साइज़ का जो कि काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल हो, तो ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है। 16 GB रैम, 512 GB की SSD इसमें मिल जाएगा, तो यहाँ पे फ्यूचर प्रूफ बन जाता है। 14 इंच का डिस्प्ले और लैपटॉप में आपको मेटल बॉडी देखने को मिलेगी और मैकबुक का आपको ये फील दे देगा काफ़ी आराम से। तो काफ़ी पतला सा छोटा सा ये लैपटॉप आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन गाइस एसस का वीवो बुक 16X आता है, जहाँ पे आपको राइजन 5 का 5600H देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले थोड़ा बेटर मिलेगा, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन है, 16 इंच का डिस्प्ले, 16 GB की रैम के साथ में भी आ जाता है। सो हाँ, अभी आपको सारे लैपटॉप में ऑलमोस्ट 16 GB रैम देखने को मिलेगा 50,000 रुपये के बजट में, उससे नीचे आपको तो ध्यान ही देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस एसस वोक 15 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे इंटेल कोर i7 12 जनरेशन का एच सीरीज़ का प्रोसेसर है। अब गाइस इसका प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है, यहाँ पे बैंक्स के डिस्काउंट्स अलग से चल रहे हैं, SBI कार्ड्स के ऊपर 2000 का, तो वो भी देख सकते हो। 16 GB का रैम है, 512 GB का SSD, फुल HD डिस्प्ले। तो यहाँ पे मेजर इसका जो USP ये i7 का 12 जनरेशन का प्रोसेसर है। आगे थोड़ा वेट करो वीडियो में, आपको और कम प्राइस में आपको i7 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे एक और ऑप्शन के बारे में बात करें तो वही सेम लैपटॉप का अल्टरनेट ऑप्शन है, यहाँ पे आपको i5 का 12 जनरेशन देखने को मिलेगा, प्राइस 50,000 रुपीज़ के आसपास और 16 GB का रैम, सेम लैपटॉप बट प्रोसेसर i5 का है। यहाँ पे गाइज मैं जो लैपटॉप के बारे में बात कर रहा था, जहाँ पे मैंने आपको i7 प्रोसेसर के बारे में बताया था, तो ये वही है, MSI का मॉडर्न 14 इंटेल आपको यहाँ पे कोर i7 12th जनरेशन का 1255U का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। सो गाइज यहाँ पे अगर आपको हाई परफॉर्मेंस वाला कोई लैपटॉप चाहिए होता ना 50,000 रुपये के प्राइस रेंज में, तो आपको यही लेना चाहिए था। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट डील है इस सेल का। अगर आपको ख़रीदना है तो आप इसको आग बंद करके ख़रीद सकते हो। 16 GB रैम, 512 GB का SSD, यहाँ पे अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आग बंद करके इस लैपटॉप को ख़रीद लो, कोडिंग वगैरह काफ़ी आराम से कर सकते हो, कैजुअल गेमिंग भी कर लोगे आप। एसस बुक का 16X एक और बार यहाँ पे आ रहा है हमारे लिस्ट में, क्योंकि यहाँ पे गाइज ये लैपटॉप में आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको राइजन 5 का 5600H देखने को मिल रहा है और 8 GB की रैम है। बट 8 GB की रैम है तो क्या हुआ, यहाँ पे आपको 45,000 रुपीज़ में ये लैपटॉप देखने को मिलेगा। यहाँ पे 1,000 रुपये का और डिस्काउंट चल रहा है, कूपन अप्लाई करो, बैंक्स के ऑफर अलग से है SBI कार्ड के ऊपर, तो उसको अप्लाई करो, तो ये आराम से 43,000-44,000 रुपीज़ के आसपास आपके बजट में आ जाएगा एंड आपके घर भी पहुंच जाएगा इतने कम प्राइस में। और प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। आगे बढ़ेंगे इस MSI का, अब गेमिंग लैपटॉप के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि आपको इस प्राइस पॉइंट में गेमिंग करने का मन तो ज़रूर कर रहा होगा। तो MSI का GF63 के बारे में बात करें, जहाँ पे इंटेल कोर i5 11 जनरेशन का प्रोसेसर मिलेगा आपको इस रेंज में, 144Hz का डिस्प्ले है, 8 GB रैम, 512 GB की SSD और NVIDIA GeForce RTX 3050 का ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा 4 GB वाला, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो एज ए गेमिंग ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे इस एक और गेमिंग लैपटॉप के बारे में बात करें, तो गाइस एसस का टफ गेमिंग F15 आता है, i5
11 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में, जहाँ आपको एच सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलता है और आपको फुल एच डी 144 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिलेगा 15.6 इंच का। तो रेस्पॉन्स टाइम्स काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, तो रेस्पॉन्स जो है ना उसके कारण आपका जो डिस्प्ले काफ़ी इमर्सिव होगा, आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी मजा आने वाला है इसमें। बाकी 8 GB रैम, 512 GB की SSD, 4 GB का NVIDIA RTX 2050 का ग्राफिक्स कार्ड इसमें दिया गया है और प्राइस देखो मात्र 50,000 रुपये, अलग से बैंक्स के डिस्काउंट इसमें आएंगे तो और इसका प्राइस कम हो जाएगा। बाकी सभी लैपटॉप्स मैंने आपको दिखा दिए, सभी लैपटॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फटाक से चेकआउट करो। सो गाइस, यहाँ पे मैंने अपना काम कर दिया, सारे लैपटॉप्स दिखा दिए, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब आपका काम बनता है कि आप नीचे जाए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेकआउट करें फटाफट, ताकि ये स्टॉक आउट ना हो। काफ़ी अमेजिंग सेल चल रहा है अभी, तो बाद में आपको मौका देखने को नहीं मिलेगा ऐसा। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।